दोस्तों बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की मोस्ट अवेटेड फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म की कहानी भारत की आजादी की लड़ाई की कहानी है जो कि 1857 में लड़ी गई थी। रानी लक्ष्मीबाई का दमदार किरदार कंगना रनौत निभा रही हैं। इस फिल्म का निर्देशन राधा कृष्ण जगलमुडी ने किया है। देश की आजादी की लड़ाई में झांसी की रानी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। कहते हैं कि उनकी आंखों से क्रांति और यलगार की आग बरसती नजर आती थी। अब राज सिंहासन पर बैठी रानी लक्ष्मीबाई के वही तेवर कंगना रनौत की आंखों में नजर आ रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर बहुत ही दमदार है। कंगना का ऐसा अवतार हमें पहले कभी देखने को नहीं मिला था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनी बिग बजट फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी हिंदी और तेलुगु भाषा में 25 जनवरी को रिलीज हो जाएगी। फिल्म में कंगना के अलावा अतुल कुलकर्णी, जीसु सेन गुप्ता, सुरेश ओबरॉय, डैनी और अंकिता लोखांडे भी अहम भूमिकाओं में हैं। कंगना रनौत का मानना है कि इस फिल्म के साथ जुड़ना उनके लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि इस किरदार ने लोगों को प्रेरणा दी है। कंगना रनौत कहती हैं, मैंने और हमारी टीम ने खून पसीने और दिल से फिल्म को बनाया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह फिल्म हर भारतीय को गर्व से भर देगी। कंगना से जब पूछा गया कि क्या यह स्थिति उनके फिल्म के लिए फायदेमंद है तो उन्होंने कहा, यह एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि मेरा मानना है कि हमें स्वतंत्र दिवस या गणतंत्र दिवस जैसे दिन पर उन लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। उन्होंने कहा, हमारी फिल्म देशभक्ति की थीम पर है तो वह दिन हमारे लिए काफी अहम है और उस दिन फिल्म की एकल रिलीज से हम बेहद खुश होंगे। दोस्तों इसी प्रकार की ताजा न्यूज अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद।